सड़क निर्माण में बंद हुए नारंगपुर चौराहे को खुलवाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। जनपद अमरोहा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रहा सड़क निर्माण में बंद हुए नारंगपुर चौराहा को खुलवाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी को संबोधित पत्र लिखकर जिलाधिकारी श्री उमेश मिश्रा को सौंपा। जानकारी के अनुसार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष शंकर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें नारंगपुर चौराहा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, जबकि इसी चौराहे से लगभग 300 गांवों के लोगों का आवागमन रहता है। आवागमन जारी रखने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा और नारंगपुर चौराहा को खुलवाने की मांग की है। ज्ञापन देने में मौजूद रहे शंकर सिंह, शकुंतला देवी, सुशीला शर्मा, दिगराज, आदेश कुमार, हकीम शेर अली, सरजीत चांद मोहम्मद आदि। आपका शंकर सिंह, कहाँ के रहने वाले? अमरोहा से। मैं पीपल पार्टी ऑफ इंडिया का जिलाध्यक्ष, जो नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो नारंगपुर चौराहा है, इससे इसको बंद किया जा रहा है। इस संबंध में हमने जिलाधिकारी महोदय जी को के माध्यम से, नितिन गडकरी जी को, माननीय केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार को हमने ज्ञापन दिया है कि हमारा कट रहना चाहिए, क्योंकि करीबन 250-300 लोगों के विकास का गांव है, जिससे क्या जनपद को आना जाना लगा रहता है। ये रिपब्लिकन पार्टी की मांग है और रिपब्लिकन पार्टी मांग करती है, और इस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो रिपब्लिकन पार्टी अगला अपना जो विचार है उसको रणनीति बनाएगी और उस पर हर कीमत पर इस कार्य के लिए संघर्ष करती रहेगी।